बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर कोर्स इज केमोमेट्रिक्स। इट्स मीन्स दैट वी यूज डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स फॉर कैलकुलेटिंग और मेजरिंग द केमिकल चेंजेस और सिंपली वी कैन से the use of different mathematical tools to understand the problems of the chemistry. So, as we know about the relation So, what is the relation? Relation means we try to relate one change with the corresponding change. For example, we have two factors like x, y, and z, or a, b, c, whatever you can call that. If we are changing the one a factor, so there will be a corresponding change in the resultant factors. So in other words, if we change the x, there will be a change in the y. So how x creates the change in y, or in other words, how y changes with respect to x, this attempt is called relation. For example, if we increase the x and y also increases, it means there is a direct relation. And if we decrease the x and y increases, it means that there is an inverse relation. So the best example is the Boyle's law. So in the Boyle's law, if we increase the pressure at constant temperature, the volume will decrease. And if we will decrease the pressure, then volume will increase. So there is an inverse relation in pressure and volume. So similarly, like Charles' law, if we increase the temperature, the volume will increase, and if we decrease the temperature, then the volume will decrease. So there is a direct relation, but this relation is not the exact relation. It means that the all values of the resultant factor or corresponding factor is not exactly the same with respect to the basic factor. Or in other words, the all values of x are not true for y. So therefore, we need some factors are some equalities to exactly equate these two factors. For example, जैसे कि अगर हम x को change करें तो y change होगा, तो ये सिर्फ relation हमें ये बताता है कि x के increase होने से y decrease होगा, ठीक है, लेकिन वो हमें exact value जो है वो नहीं देगा. तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको इक्वेट करना पड़ेगा, उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा. और इसको इक्वेट करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए हमें कोई भी बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए जो उसको एग्जैक्ट वैल्यू में हमें आंसर दे. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो रिलेशन होते हैं, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे चार्ल्स लॉ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो जैसे बॉयल्स लॉ है,
तो इन रिलेशन को जब हम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फंक्शन फिर हमें एग्जैक्ट उसकी मैथमेटिकल वैल्यू देता है। रिलेशन सिर्फ जो है हमें ये बताता है कि ये आपस में रिलेट करते हैं या नहीं रिलेट करते। रिलेट करते हैं तो कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है, इन्वर्सली करते हैं या डायरेक्टली करते हैं। लेकिन अगर हमने एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करनी है कि हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो वाई की जनरेट हो, तो फिर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके वहाँ पे कोई इक्वलिटी या हमें कोई वहाँ पर फैक्टर लगाना पड़ेगा, और उस फैक्टर को जो हम क्या कहते हैं कि ये एक कांस्टेंट है जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे बॉयज़ लॉ में हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके हम वहाँ पे के लगा देते हैं, और सेम जो है वो हम चार्लस लॉ में करते हैं। तो आपका जो रिलेशन बन जाता है दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू के, मीन्स के प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। तो इसी तरह जो हमारे पास एक फंक्शन बनता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं इंग्लिश में, इसी तरह फंक्शन के जो है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे द फर्स्ट वन इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है आपको पता है कि वो एक नॉन चेंजिंग क्वांटिटी होती है, क्योंकि चेंज नहीं होती और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट है। इसी तरह जैसे आप पाई है, पाई जो की वैल्यू होती है 3.14, इसी तरह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो कांस्टेंट जो है उसकी फिर टू टाइप्स हैं, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो कौन से कांस्टेंट हैं, वो ऐसे कांस्टेंट हैं जो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करते हैं, और एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो है वो ऐसे कांस्टेंट हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करते एंड दे आर कांस्टेंट फॉर एवर। जैसे मैंने अभी बताया कि 2, 3, 4, 5 जो हैं ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं, 2 cannot be 3। इसी तरह जो पाई की वैल्यू है 3.14 वो भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है 3.8 something होता है वो भी जो है वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है इन अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट 25 सेल्सियस, और आप उस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन जितनी भी रीडिंग्स लेते हैं वो सब आप 25 सेंटीग्रेड पर ही ले रहे हैं। तो दैट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस विल बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फॉर दैट गिवन एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर आप एक नया एक्सपेरिमेंट लगाते हैं और उसमें आप टेम्परेचर 30 रखते हैं और फिर उसके ऊपर सारी रीडिंग्स लेते हैं, तो फिर उसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है इन अ गिवन सिचुएशन आर एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कि जिसको हम एक सिचुएशन के लिए फिक्स करते हैं लेकिन फिर हम उसको सेकंड सिचुएशन के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो कोई भी सिचुएशन हो वो कांस्टेंट ही रहेगा। देन वी हैव वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हैं, जैसे आपको पता है एक्स और वाई, या अगर हम बॉयज लॉ की बात करें तो उसमें जो है प्रेशर और वॉल्यूम ये वेरिएबल्स हैं, और इसमें कांस्टेंट जो था वो के था। तो अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं इनको हम एक्स वाई भी कहते हैं नॉर्मली, तो इसमें एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
जिसमें जैसे एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऐसा वेरिएबल होता है कि जिस में जो चेंज है ठीक है वो हमें खुद से करना पड़ता है, वो किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ जो है उसमें जो प्रेशर है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? वो इसलिए कि हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, अगर हम प्रेशर को चेंज नहीं करते तो वॉल्यूम खुद बहुत चेंज नहीं होगा। तो उसमें जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और प्रेशर को कैसे चेंज करेंगे? प्रेशर को जो है वो या तो हम खुद चेंज करेंगे या फिर जो है वो किसी प्रोसेस के अंदर या किसी नेचुरल फैक्टर के जरिए जो है वो चेंज होगा और उससे फिर एक चेंज क्रिएट होगा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में जो कि क्या है वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो प्रेशर में चेंज आने की वजह से होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो फिर वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हम एक्स को चेंज करते हैं तो वाई में चेंज आएगा, एक्स अगर कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा ठीक है अनचेंज्ड है तो फिर वाई में भी चेंज नहीं आएगा। वाई में चेंज तब आएगा जब हम एक्स को चेंज करेंगे। तो वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, और इन अदर वर्ड वी कैन से द एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई। मीन्स कि एक्स जो है वो चेंज क्रिएट करता है किसमें वाई में। फंक्शन का मतलब ये है कि एक्स चेंज क्रिएट करता है किसमें वाई में। इसी तरह प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर जो है वो चेंज क्रिएट करता है वॉल्यूम में, एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है वो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। तो अ वेरिएबल विच कैन टेक एवरी वैल्यू फ्रॉम वन नंबर टू अनदर इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू। कॉन्टिन्यूस वैल्यू मीन कि हम एक्स की जो वैल्यू पुट करते हैं ठीक है उसके अगेंस्ट जो है जो वाई की वैल्यूज जो हैं वो भी जनरेट हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम ऑल रियल वैल्यूज जो हैं वो पुट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें हम x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है ठीक है जिसके लिए हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो है वो पुट नहीं कर सकते ठीक है, और अगर हम कोई ऐसे ही वैल्यू पुट करते हैं ठीक है जिससे कोई आंसर क्रिएट नहीं होता, कोई अनडिफाइंड आंसर आ जाता है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, तो इट मीन्स दैट कि उसमें सिर्फ इवन वैल्यूज जो हैं वो पुट की जा सकती हैं। अगर हम उसमें ऑड वैल्यू पुट करेंगे जैसे 1, 3, 5, 7 तो वो फिर हमें ट्रू आंसर नहीं देगा बल्कि वो हमें अनडिफाइंड आंसर देगा, या इन अदर वर्ड्स के उसका कोई आंसर निकलेगा या जो आंसर निकलेगा वो मीनिंगलेस होगा। तो ऐसा जो फंक्शन है दैट इज ओनली ट्रू फॉर इवन वैल्यूज। इसी तरह ऑड फंक्शन हो सकता है जो कि ऑड वैल्यूज के लिए हो, लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आप हर किस्म की वैल्यू पुट कर सकते हैं और वो आपको आंसर जनरेट कर देता है तो ऐसे वेरिएबल को हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं, जो कि जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो उसके लिए ट्रू हो।
तो अब अगर वो सारी वैल्यूज जो हैं, रियल वैल्यूज जो हैं, उनके ऊपर वो कोई आंसर जनरेट करता है, तो हम कहेंगे कि ये सारी वैल्यूज जो हैं वो उसकी डोमेन में आती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इवन फंक्शन ले रहे हैं तो उसमें आप ऑड वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो ऑड वैल्यूज आर नॉट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो उसकी डोमेन में क्या होगी? सिर्फ इवन वैल्यूज होंगी। सो डोमेन सेट जो है वो एक्चुअली वो वैल्यूज हैं, वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, विच अ वेरिएबल कैन टेक इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द वेरिएबल। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि आपके पास कोई इवन फंक्शन है, तो वो इवन वैल्यूज आप उसमें पुट कर सकते हैं, तो उसकी डोमेन सेट में क्या होगा? ऑल इवन वैल्यूज होंगी। ऑड जो है वो उसकी डोमेन में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन जो है वो ऑड वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, ऑड वैल्यूज के ऊपर वो आपको कोई आंसर नहीं देता। नेक्स्ट वी हैव बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन जैसे कि वर्ड है बाइनरी, बाइनरी मीन टू। तो अगर आप कोई ऐसा फंक्शन ले रहे हैं या रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल्स हों, जैसे एक्स और वाई है, जैसे मैंने आपको वॉयल्स लॉ की एग्जांपल दी है या चार्ल्स लॉ की एग्जांपल दी है, तो इसके अंदर जो है वो दो वेरिएबल्स हैं, एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट, मींस एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम है, इसी तरह उसमें वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। तो अगर आप कोई ऐसा रिलेशन या फंक्शन ले रहे हैं जिसमें सिर्फ दोनों दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन या फंक्शन जो है उसमें मिनिमम दो वेरिएबल्स तो होंगे, तभी आप रिलेशन डेवलप करेंगे ना। अगर एक वेरिएबल होगा तो वो कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसी तरह दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार भी हो सकते हैं, तो लेकिन मिनिमम जो है वो दो जो है वो वेरिएबल्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये बाइनरी रिलेशन है। जैसे मैंने प्रेशर वॉल्यूम का बताया या वॉल्यूम टेम्परेचर का बताया, तो हम क्या करते हैं कि एक्स को वाई के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम उस रिलेशन को जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं कि हाँ इन दोनों में कोई रिलेशन है, ठीक है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फिर हम उसको क्या करते हैं? फिर हम उसको क्वांटिफाई करते हैं कि एक्स की क्या वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट वाई की जो है वो ट्रू वैल्यू है, सही वैल्यू है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि रिलेशन के अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट या कोई ना कोई फैक्टर ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक्स की वैल्यू पुट करने पे वाई की जो वैल्यू हमें मिलती है वो सही मिलती है। तो रिलेशन जो है वो आपको उनका रिलेशन डिफाइन कर देता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तब आपको मिलती है जब आप रिलेशन को फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको डिवेलप करते हैं रिलेशन से फंक्शन में। अब फॉर एग्जांपल इसमें जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हमारे पास जो है वो कोई एक सेट है ए है और एक सेट जो है वो बी है, और ए में कुछ वैल्यूज हैं और बी में कुछ वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं कि ए और बी की जो वैल्यूज हैं उनको आपस में रिलेट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी की जो सारी वैल्यूज हों वो आपस में रिलेट होती हों, ए की कुछ वैल्यूज जो हैं वो बी के साथ रिलेट होती होंगी। तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज आपस में रिलेट करती हैं, हम उनकी बेस के ऊपर जो है वो फंक्शन जो है वो जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स की वैल्यूज देखें, तो एक्स की जो वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो हमारे पास वाई की वैल्यूज हैं वो फॉर एग्जाम्पल हैं 1 4 9।
या उस इन बिटवीन जो वैल्यूज़ हैं आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम एक्स की वैल्यूज़ देखें जो कि 1 to 9 है, और वाई की वैल्यूज़ देखें वो भी 1 to 9 है, लेकिन वाई में कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं जिन को अगर हम सिलेक्ट करें तो उससे हम एक्स के साथ कोई रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई के अंदर जो वैल्यूज़ हैं जैसे 1 है 4 है 9 है, इनको अगर हम रिलेट करें तो ये एक्स की जो वैल्यू है 1 2 3 उसके साथ रिलेट होते हैं। और ये जो फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। मीन्स कि एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की भी 1 आएगी, एक्स की 2 पुट करेंगे तो वाई की 4 आएगी, और अगर हम एक्स की 3 पुट करेंगे तो वाई की 9 आएगी। तो एक्स और वाई के अंदर जो सारी वैल्यूज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है आपस में रिलेट करें, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में रिलेट कर सकती हैं, और जो वैल्यूज़ रिलेट करेंगी उन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर जो है वो हम एक फंक्शन जो है वो डेवलप करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन बना वो बन गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और उसमें से एक्स और वाई में से हमने ये जो वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट कर ली। अब ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 एक्स की, ये वाई की वैल्यू को जनरेट कर रही हैं। तो इट्स मीन्स दैट कि जो एक्स की वैल्यूज हैं 1 2 3 ये इस फंक्शन की डोमेन है, और इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज हैं वो इस फंक्शन की डोमेन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यूज पुट करने से जो वाई है उसकी आप ट्रू वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें 4 पुट करते हैं तो 4 पुट करने से आंसर आएगा आपके पास 16, जबकि वाई की जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो 1 to 9 है, तो वो फिर इस फंक्शन की डोमेन से बाहर चले जाएगी। तो जो एक्स की हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। उसके अगेंस्ट जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है, और फिर वो क्या करता है, वाई की वैल्यूज को जनरेट करता है। और उसके अगेंस्ट जो वाई की वैल्यूज आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये रेंज है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, इसमें जो डोमेन होगी वो 1 2 3 होगी, और इसमें जो रेंज आएगी वो आएगी 1 4 और 9। तो इस तरह हम दो सेट्स जो हैं उनकी वैल्यूज को आपस में रिलेट करते हैं, और फिर रिलेट करने के बाद जो है वो हम अब इसमें जो रिलेशन बन गया है वो रिलेशन क्या बन गया है, रिलेशन ये बना है कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई एंड व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, स्क्वेयर फंक्शन। तो स्क्वेयर ऑफ एक्स इज एक्चुअली द आंसर ऑफ आर द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये स्क्वेयर फंक्शन बन गया, ठीक है, या इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो वाई इज द एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो है वो स्क्वेयर फंक्शन भी होता है, क्यूबिकल भी होता है, और फिर बाद में पॉलीनोमियल वगैरह भी होते हैं। तो इसी तरह जो हमने ये रिलेशन बनाया कि जो एक्स है उसका स्क्वेयर जो है उससे वाई की वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस होती है, और फिर उसको हमने इक्वेट किया, और इक्वेट करके फिर हमने इसको क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। इसी तरह बॉयज़ लॉ में अगर हम देखें तो प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, और उससे वॉल्यूम की भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन प्रेशर की सारी वैल्यूज जो हैं वो वॉल्यूम की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है,
तो सर्टन वैल्यूज होंगी, ठीक है, जिनका रिलेशन होगा वाई के वॉल्यूम के साथ। प्रेशर की सर्टन वैल्यूज होंगी जिनका रिलेशन वॉल्यूम के साथ होगा। हम उन वैल्यूज को सिलेक्ट करके दो सेट बना लेंगे और फिर उसकी बेस पे हम रिलेशन डेवलप करेंगे। फिर हमें रिलेशन में जब हम वैल्यूज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेशर की जो हाई वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट वॉल्यूम की लो वैल्यूज हैं। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, उसको क्वांटिफाई करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल प्रेशर जो है वो 400 है तो वॉल्यूम जो है वो 200 है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसको इक्वेट करेंगे और उसमें अगर वैल्यू जो है वो स्लाइटली लेस या मोर आ रही है तो उस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए हम उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो कांस्टेंट जो है बेसिकली वो रिलेशन को मैच्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि जो वैल्यूज़ में कमी बेशी है उसको एडजस्ट किया जा सके। तो इसी तरह डायरेक्ट रिलेशन का मैंने आपको बताया। इनवर्स बाइनरी रिलेशन मींस कि अगर वो आपस में इनवर्स हैं, मींस कि एक जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज के अपोजिट हैं, ठीक है, तो फिर वो इनवर्स रिलेशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है और वाई की जो वैल्यू है वो 1/2 है तो वो इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह हम बाइनरी रिलेशन को डिस्कस किया है, डायरेक्ट रिलेशन को और इनवर्स रिलेशन को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इन वैल्यूज से एक्स और वाई की वैल्यूज से जो हम डिफरेंट वैल्यूज डोमेन और रेंज की कैसे जनरेट करते हैं और फिर आगे उससे जो है वो हम ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। Okay, Allah.